कई ऐसे सितारे हैं जो बेहद ही ज़्यादा अपने शौक़ के साथ जीते हैं, कई सितारे हैं जिनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आलीशान है, कई सितारे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। तो आज इन्हीं तमाम कैटेगरीज़ के बीच हम एक ऐसी कैटेगरी लेकर आए हैं जिसे यकीनन जानने के बाद आप सभी हैरान हो जाएंगे। जिस सितारे का जिक्र आज हम यहाँ कर रहे हैं, वो सितारे अपने शौक से ज़िंदगी तो जीते ही हैं, मगर उन्होंने अपने शौक को इतना बढ़ा लिया है कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन शादियां की हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसे हैंडसम हंक का जो करोड़ों दिल पर राज करते हैं और स्पेशली लड़कियां उनकी ज्यादातर दीवानी हैं। यकीनन आप कहीं ना कहीं हिंट लगा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर किस एक्टर का जिक्र कर रहे हैं, तो वो कोई और नहीं, करण सिंह ग्रोवर है। यानी कि कसौटी जिंदगी के में मिस्टर बजाज का जो किरदार निभा रहे हैं, उन्हीं करण सिंह ग्रोवर का जिक्र आज हम यहाँ कर रहे हैं। आपको बता दें कि करण की जिंदगी से आज हम यहाँ पर आपको रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से करण की जिंदगी है, किस तरीके से उनका अतीत रहा और साथ ही साथ किस तरीके से अब वो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। आपको ये भी जान के हैरानी हो जाएगी कि आखिरकार करण सिंह ग्रोवर कितनी संपत्ति के मालिक हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि करण सिंह ग्रोवर ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन शादियां की है। अब आखिरकार कौन थे इनके ये तीनों लाइफ पार्टनर, कौन है अब ये लाइफ पार्टनर और कितनी संपत्ति के ये मालिक हैं, देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर हैं जिनके अतीत के बारे में जब जब जिक्र किया जाएगा, तब तब जो है कई नए पहलू सामने आएंगे। हम यहाँ पर आज जिक्र कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के हैंडसम हंक और लड़कियों की जान कहे जाने वाले करण सिंह ग्रोवर को लेकर। यकीनन ही करण सिंह ग्रोवर जिस पर्सनालिटी के साथ उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा है और अब फिलहाल तो वो कसौटी जिंदगी के में मिस्टर बजाज का किरदार निभा रहे हैं, वो हर किसी के दिल को जीते हुए भी दिखाई दिए। मगर करण सिंह ग्रोवर की जो जिंदगी है, वो जिंदगी उनकी इतनी ईजी और इतनी स्मूद नहीं है। करण सिंह ग्रोवर ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन शादियां की हुई हैं। करण सिंह ग्रोवर की सबसे पहली पत्नी श्रद्धा थी। जी हाँ, श्रद्धा निगम जो टीवी टाउन का एक मशहूर चेहरा थी और उन्होंने कई टीवी टाउन के सीरियल्स में भी काम किया है। श्रद्धा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मध्य प्रदेश के इंदौर से की थी। इसके बाद वो पुणे चली गई जहां पर उन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। अब ऐसे में श्रद्धा और करण की कहानी भी बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है। कहा यह जाता है कि साल 2008 में करण सिंह ग्रोवर ने श्रद्धा से शादी कर ली थी। शादी के एक साल के अंदर ही दोनों का तलाक हो गया। श्रद्धा ने कई बारी करण को धोखा देते हुए भी पकड़ा था। चर्चा ये थी कि करण सिंह ग्रोवर का अफेयर रियलिटी शो झलक दिखलाजा की कोरियोग्राफर निकोल के साथ था। 10 महीने की इस शादी में करण कभी भी श्रद्धा के लिए लॉयल थे ही नहीं। आखिरकार श्रद्धा ने करण से तलाक लेने का फैसला किया और वो फिर अलग हो गई। हालांकि आपको बता दें कि 2012 में फिर करण ने जेनिफर से शादी कर ली, लेकिन करण और जेनिफर का रिश्ता भी ज्यादा लंबे समय तक ना चल पाया। साल 2016 में जेनिफर ने करण को तलाक दे दिया और 2016 में करण ने तीसरी शादी की बॉलीवुड इंडस्ट्री की अभिनेत्री बिपाशा बसु से। कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा यही जाता है कि करण सिंह ग्रोवर एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कई बारी शादी कर चुके हैं और उसके बावजूद भी बिपाशा बसु जो है कहीं ना कहीं करण से अब भी उतनी ही मोहब्बत करती है, उतनी ही कहीं ना कहीं उनकी फिक्र भी करती है।
हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि जरूरी नहीं कि आप किसी की पहली मोहब्बत बने, जरूरी ये है कि आप उस शख्स की आखिरी मोहब्बत रहे। अगर हम करण सिंह ग्रोवर और विपाशा का अब जिक्र करें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि करण और विपाशा का रिलेशनशिप अभी तो फिलहाल अच्छा चल रहा है। विपाशा बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत दीवा कही जाती है जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम सुपर हिट फिल्में की हैं और उन्होंने 18 साल भी इस इंडस्ट्री में पूरे कर लिए हैं। और अगर हम वहीं दूसरी ओर करण सिंह ग्रोवर का जिक्र करें तो करण सिंह ग्रोवर की जो पर्सनालिटी है, उन्होंने दिल मिल गए से टीवी टाउन में कदम रखा और उसके बाद उन्होंने तमाम शोज किए और उसके बाद वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी तमाम फिल्मों में काम करते दिखाई दिए थे। यानी कि कहीं ना कहीं करण सिंह ग्रोवर जो हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने दो शादी की, ये टैग उन पर अब भी है, मगर वो अब विपाशा से काफ़ी मोहब्बत करते हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि विपाशा जो है यकीनन ही जब भी ऐसी कहानियों को पढ़ती होंगी, करण के अफेयर्स को सुनती होंगी, तो थोड़ा बहुत दुख तो हर इंसान को लगता ही है कि आखिरकार उनके पति का नाम जब किसी और से जुड़ता होगा तो दुख पहुंचता होगा। मगर हम अगर जिक्र यहाँ पे हम विपाशा के अफेयर्स का करें तो विपाशा बसु भी जो है कहीं ना कहीं उनका नाम जॉन इब्राहिम से रहा है और जॉन और विपाशा की कहानी, इनकी लव स्टोरी तो यकीनन ही ऐसी ही थी कि ये आज ही शादी कर लेंगे। मगर कहते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में प्यार भी पल भर में हो जाता है और दूसरे पल ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही कहानी है करण सिंह ग्रोवर की, एक ऐसी ही आलिशान वो अब जिंदगी जीते हैं, एक ऐसी ही कहा यही जाता है कि यकीनन ही अगर हम विपाशा और करण की संपत्ति का जिक्र करें तो विपाशा और करण के पास जो है काफ़ी ज़्यादा संपत्ति, यानी कि करोड़ों के मालिक और मालकिन हैं अब ये दोनों ही। और यहाँ पर कहा यह भी जाता है कि दोनों के पास जो है अब कुल मिला के काफ़ी करोड़ों की संपत्ति है ही, क्योंकि विपाशा बासु इस इंडस्ट्री की एक ऐसी हीरोइन है जिन्होंने 18 साल पूरे किए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं करण ने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भले ही कम फिल्में की हों मगर टीवी से उन्होंने काफ़ी पैसा भी कमाया है। स्टेज शो के 2 करोड़ रुपया विपाशा बासु लेती है, 3 घर हैं उनके, कई लग्जरी कार्स हैं, कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनके मालिक और मालकिन हैं। यकीनन ही अगर हम यहां पर जिक्र करें तो करीबन लगभग हम ये कह सकते हैं कि दोनों के पास संपत्ति मिलाकर 14.50 करोड़ रुपया है। यकीनन ही ऐसी आलिशान जिंदगी करण सिंह ग्रोवर की रही है, विपाशा बासु की रही है और अब ये दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। चलिए हम तो यही कहेंगे कि इनकी मोहब्बत सदा बनी रहे। कहीं ना कहीं आप सभी ने देखा कि आखिरकार करण सिंह ग्रोवर की जिंदगी यकीनन ही बेहद खूबसूरत है। करण सिंह ग्रोवर ने 3 शादियां की। पहली शादी उनकी सीरियल की एक्ट्रेस यानी कि श्रद्धा से हुई। श्रद्धा से करण सिंह ग्रोवर जो हैं काफ़ी मोहब्बत करते थे। करण सिंह ग्रोवर जो है कहीं ना कहीं ये देखा गया कि ये जो शादी रही वो सिर्फ 1 साल चली। उसके बाद श्रद्धा की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो ये था कि 1 साल भी करण सिंह ग्रोवर उनसे लॉयल नहीं रहे, यानी कि 1 साल भी वो उनसे ना तो वो अपना विश्वास जीत पाए और ना ही उन्होंने कभी उन्हें प्यार दिया। वो जिस तरीके से मीडिया के कैमरों के सामने आकर हक कर लेना या फिर जो भी तमाम चीज़ें होती रहीं वो महज एक ड्रामा था। उसके बाद करण सिंह ग्रोवर ने शादी कर ली जेनिफर से। जेनिफर से हालांकि करीबन 2 साल तक इनकी शादी चली मगर उसके बाद इनका तलाक हो गया और फाइनली अब करण सिंह ग्रोवर की जिंदगी में आ गई हैं इस इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस विपाशा बसु। यकीनन ही विपाशा और करण की जोड़ी से आप सभी वाकिफ हैं। यहाँ पर हमने संपत्ति का भी जिक्र किया है कि कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर बताए जा रहे हैं। अगर करण और विपाशा की संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो कहा यह जा रहा है कि लगभग ये दोनों 14 करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं। यानी कि ये जिंदगी जो वो जी रहे हैं वो जिंदगी बेहद ही ज्यादा आलिशान है। दूर से चमकती चीज सोना नहीं होती, ये कहावत बिल्कुल सही है, मगर इस इंडस्ट्री में हर एक एक्टर अपनी जिंदगी एकदम सोने की तरह ही जीता है। अगर हम करण का अब जिक्र करें
तो करण अब जो है एक बेहद ही ज्यादा पॉपुलर एक सीरियल में मिस्टर बजाज का जिस तरीके से हमने यहाँ पर उनका इंट्रोड्यूस किया था कि वो कसौटी जिंदगी के में मिस्टर बजाज का किरदार निभा रहे हैं, तो आपको जान के ये हैरानी होगी कि खबरें ऐसा कह रही थी कि करण सिंह ग्रोवर ने इस सीरियल में मिस्टर बजाज का किरदार निभाने के लिए सीरियल की कास्ट से हटके सबसे महंगी फीस मांगी थी। क्योंकि करण आज एक ऐसा चेहरा है जिन्हें देखने के लिए आज भी टीवी में उनके फैंस जो हैं उनका इंतजार करते हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से जब एकता ने करण को अप्रोच किया तो ये चीज़ें सामने आई कि करण ने यहाँ पर भारी भरकम फीस की डिमांड कर दी। चाहते या ना चाहते हुए एकता ने उन्हें हाँ भी कह दिया। कहीं ना कहीं यहाँ पर करण ने साइन किया और उसके बाद वो अब जिस तरीके से आप सभी देख रहे हैं कि मिस्टर बजाज का किरदार निभा रहे हैं, तो इससे तो ये साफ हो गया है कि करण ने अपनी ज़िंदगी में शादियां भी तीन की और जो वो ज़िंदगी जीते हैं वो आलीशान है। खैर, हम यहाँ पर जाते जाते एक चीज़ कहेंगे कि किसी ने कहा है कि आप किसी की पहली मोहब्बत बने या ना बने, मगर हाँ ज़रूरी ये है कि आप किसी की आखिरी मोहब्बत बने। चलिए, करण और विपाशा की ये जो जोड़ी है वो कितनी लंबी चलती है, या फिर हमारी तो यही दुआएं हैं कि ये जोड़ी जो है सात जन्मों तक साथ निभाए। क्योंकि बहुत हो गया करण सर, अब तो हम यहाँ पर यही बोलेंगे कि आपने बहुत शादी कर ली, चलिए थोड़ा ठहर जाते हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।